शराब पीते, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर, तमाम बुराइयों की जड़ है। आज नौजवानों को देख लीजिए, शराब के नशे में धुत हो जाते, इसी शराब के नतीजे में माओ बहनों की इज्जत लूटी जाती है। وقال الله تبارك وتعالى واقسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تسعوهم بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي فإن لم يستطي فبلساني فإن لم يستطي فبقلبي وذلك ضعف الإيمان. رواه المسلم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen. Mankind, jinn and all that exist, you honor only that ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you alone we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. May praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions. The primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society. The primary aim of like that program has been organized, there is nothing but to receive some blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. Asto gunaha om namo bhagavate vasudevaya visveshwara आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः. अष्टो गुणाः पुरुषं दीप्यन्ति प्रज्ञा च कौलं चिदं श्रुतं च प्राकर्मश्य बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च अनस्वन्ता सत्पतिर्मामहे मेघावा चैतिष्टो असुरो मगोना त्रिवृष्णो अग्निदशाभिः सहस्रैर्वैश्वानरः चतुर्भिर्भ्रातृभिर्देव करिष्यामि कलिक्ष्यम् यत् युवं भुवं देवः स्वयं शावतर्णे रतः. अनस्वन्ता सत्पतिर्मामहे मेघावा चैतिष्ठो असुरो मगोना त्रिवृष्णो अग्निदशाभिः सहस्रैर्वैश्वानरः. ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति ओम शांति ओम शांति. गिरामी कदर सामईन किराम, स्टेज पर तशरीफ फरमा जनाब सदर जलसा और मुअज्जज दानिश्वराने कौम मिल्लत, मुअज्जज उलमाए किराम और मेरे नौजवान साथियों, समाज में समाज की माँ और बहनों, आधी रात गुजर चुकी है, मदमा भी आधा मेरे सामने बैठा हुआ है. मैं यकीन करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह जो लोग बैठे हैं
वो कुरान और हदीस की मोहब्बत पे अखीर तक बैठेंगे और कुरान और शरीयत की बात सुनकर अमल के जज्बे से अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाएंगे। मेरे भाइयों, हम लोग यानी हम मुसलमान लोग जिस मज़हब पर अमल करते हैं उस मज़हब का नाम इस्लाम है, और इस मज़हब में एक बहुत बड़ी चीज़ पाई जाती वो ये कि अगर समाज में, मुल्क में, गांव शहर में कोई कहीं पर भी किसी तरह का किसी भी तरह की अनहोनी या कोई बुराई या कोई गलत हो रहा हो तो ये इस मज़हब की एक अलग पहचान है कि वो उस बुराई को रोकने का हुक्म करता है, ख़त्म करने का हुक्म करता है, उस बुराई से समाज को बचाने के लिए हर तरह से मुमकिन कोशिश करता है। ये इस मज़हब की एक ख़ासियत, एक पहचान और एक सिफत है। ख़ुद अल्लाह तबारक व ताला ने क़ुरान करीम के अंदर बयान किया कि अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है पाबंदी के साथ, खुलूस और साफ़ और शफाफ दिल के साथ, तो यकीनन उस नमाज, उसके अंदर कोई बुराई भी पाई जाती है तो उस नमाज की वजह से, उस नमाज के अंदर इतनी अच्छी कैपेसिटी होती है कि नमाज खुलूस के साथ, नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की वजह से उसकी जो छोटी मोटी बुराइयां होती है वो ख़त्म हो जाती। ये नमाज की क्वालिटी, इन्नस सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, की रोकती बुराइयों से। सहाबाए किराम के ज़माने में, अल्लाह के नबी के ज़माने में एक शिकायत की गई मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास कि ये जो सहाबी हैं ये गुनाह करते, जुर्म करते, चोरी करते। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। कहाँ, नमाज तो पढ़ते हैं। कहा कि इन्नस सलाता तन्हा, कि बेशक नमाज उसको रोकती ही, नमाज रोक देती है बुराई से, बेहयाई से, गुनाहों से। इसलिए डोंट वरी, घबराने की बात नहीं, फिक्र मत करो, एक दिन ऐसा आएगा कि उस नमाज के बदौलत वो आदमी बुराई से रुक जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी आवाज़ मुकम्मल तौर पर मेरे साथ नहीं है, ये तो मुखिया मुजाहिद साहब का ऑर्डर था। उन्होंने कहा कि मौलाना मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ, इस गांव के अंदर एक तामीर कब्रिस्तान के ताल्लुक से प्रोग्राम करना है। हम आज मुर्शिदाबाद की धरती से यहाँ तक पहुँचे हैं 9 घंटे के अंदर। ये बड़े भाई हमारे मुखिया जी ने कहा कि आपको हर हाल में पहुँचना है। हमने कहा कि इंशाअल्लाह, मैं 1 साल पहले भी आया था और आपका है, जब आप जैसे लोग एक सियासी मैदान में हैं, बहुत कुछ होता है उस मैदान में। मैं भी सियासत से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ कि सियासी मैदान में कितनी गंदगी होती है और कितने फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। उसके बावजूद भी आप जब इस मैदान में लगे हुए हैं, आप जब इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं इंशाअल्लाह मैं ज़रूर आऊँगा, मैं वादा करता हूँ, चाहे जो भी करना पड़े। तो कुछ भी हुआ, अल्लाह ने पहुँचा दिया। मैं दुआ करता हूँ आप अराकीन जलसा का, हमारे मुखिया जी का,
कि इनके अंदर जो दर्द है, जो अपने समाज के अंदर एक तब्दीली लाने का अल्लाह इनके जायज़ मकासद में भरपूर कामयाबी दी, और आने वाले इंतखाबात में भी मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह इनकी जायज़ मकासद में कामयाबी दी और ओहदे क़यादत पर बैठकर वो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए वो काम करें। हम ये अल्लाह से दुआ भी करते हैं। बहरे कैफ मुखिया जी का ऑर्डर और उनकी गुजारिश की वजह से मैं आपके बीच यहाँ बैठा हूँ। मैं इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सकेगा मैं कुछ अच्छी बातें आप लोगों को बताऊँगा। तो बात चल रही थी कि ये एक मज़हब है कि जिसके अंदर एक बड़ी विशेषता, मैं से एक विशेष बात यह है कि ये बुराई को रोकने का ऑर्डर करती। किसी भी और धर्म के अंदर ये गुण नहीं है, मगर इस्लाम के अंदर है कि अगर समाज में कहीं पर भी कोई गलत कर रहा हो, कोई भी, ज़रूरी नहीं है कि कलिमा पढ़ने वाला कर रहा हो, अगर कोई गैर कलिमा वाला भी कर रहा है या उसके ऊपर कोई बुराई या कोई गलत हो रहा है, तो इस्लाम अलाउ टू एवरी मुस्लिम अलाउ करता है कि तुम मना करो, रोको, उस बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करो। ये इस मज़हब की एक अलग डिफरेंस है टू द अदर रिलीजन। किसी भी धर्म के अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती, मगर इस्लाम के अंदर जितनी शिद्दत के साथ पाई जाती है वो किसी और मज़हब में नहीं पाई जाती। हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ने साफ लफ्ज़ों में दिखा दिया, कह दिया अपने कुरान करीम के अंदर कि जो मुसलमान नमाज पढ़ेगा, जो नौजवान नमाज पढ़ेगा, नमाज को नमाज बनाकर पूरे दिल दिमाग हाजिर हो, ऐसा नहीं है कि मस्जिद में नियत बांध रहे और दिमाग कहीं मार्केट में हो, दुकान में हो, खेत में हो, खलियान में हो, मोबाइल के व्हाट्सएप में घुसा हुआ हो, फेसबुक पे के पेज में घुसा हुआ हो, या उससे पहले कोई सीरियल देख रहे थे तो उसमें लगा हुआ हो, या उससे पहले भोजपुरी गाना सुन रहे हों तो उस पर दिमाग चल रहा हो, अगर ऐसी नमाज होगी तो फिर वो सिफत नमाज अपनी नहीं दिखा पाए। यू हैव टू जस्ट कंसीडर अबाउट योर गॉड ए अल्लाह सुबहानहु व तआला। प्रथमा दार का जीववा, सीधे खड़े होकर पूरे ध्यान के साथ दियो दीदियन मुझिए झुकेंगे रुकू में, अल्लाह का उनकी याद जो पढ़ेंगे कुरान में, उसके ऊपर तदब्बुर, उसके ऊपर पूरा माइंड सेट होना चाहिए। इस हिसाब के आप नमाज पढ़िए। नौजवानों, अगर आपकी ज़िंदगी में तब्दीली ना आए, अगर आपको अंदर कुछ अच्छा फील ना हो, तो आप मेरे गिरेबान पकड़कर बोल सकते हैं कि अब्दुल्ला साहब आप झूठ बोल रहे हैं, ज़बान मेरी है, अल्फाज आयतें कुरान करीम की है, फरमान कुरान का है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम्हारे सामने कोई बुराई हो रही हो, कोई गलत हो रहा हो, तो रोको, रोकने की कोशिश करो, अपने हाथों से रोको। समाज में नौजवान हमारे शराब पीते, क्या करते हम उनके लिए? कुछ भी नहीं करते। समाज में करप्शन है, क्या करते हम लोग? कुछ नहीं करते। हाँ, ये जिम्मेदारी जहां पर मुखिया मेंबर सरपंच की होती है, वहीं पर आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप भी गलत को गलत कहें और उसको ख़त्म करने के लिए मेहनत और कोशिश करें। मेरे मुस्लिम भाइयों, ये इस मज़हब की एक नेचर है, फितरत में है ये बात
अगर कोई गलत कर रहा हो समाज में किसी के साथ, तो आप सबको मिलकर खड़ा होना चाहिए। जैसे कितना अच्छा बड़ा काम हो रहा है कब्रिस्तान के निर्माण के लिए, जब मुखिया जी सामने हैं, वो मैदान में कमर बांध कर खड़े हैं, तो हमें सबको उनका सपोर्ट करना चाहिए। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उनके इस कदम पर, बहुत से लोग कहते होंगे कि बस और कुछ नहीं मिलता, चंदा और कलेक्शन का काम शुरू कर दिया। आप अल्लाह की जात को, आखरत को सामने रखते हुए कदम बढ़ाइए। जब आप अच्छा करेंगे तो शुरू में ऐसा दिखेगा कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अल्लाह की नज़र में आपका फील्ड बनता चला जाएगा, अल्लाह की नज़र में आपकी जात मुबारक और मोहतरम होती चली जाएगी। किसी से मत डरो, अल्लाह की जात पर एतमाद और विश्वास रखकर अच्छे काम करते रहो। बुराई करने वालों के तरफ पीछे मुड़कर मत देखो। हर कौम के अंदर अबू जहल की औलाद होती है, हर समाज के अंदर फिरौन के चाहने वाले होते हैं, हर मोहल्ले के अंदर एक न एक पुलिंग डाउन करने वाला मिलेगा आपको। लेकिन आप देखो कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपके समाज के लिए क्या बेहतर है, आपकी आकिबत और आखिरत के लिए क्या बेहतर है। हमें और आपको तो वो काम करना चाहिए। अगर कोई पैसा वाला मालदार आदमी गलत करता है, आप ये मत सोचो कि ये पैसा वाला है, अगर हम इसके अगेंस्ट में आवाज उठाएंगे तो ये हमको जेल में डाल देगा, जेल में डलवा सकता है। अल्लाह की पकड़ जब होती है ना, तो फिर सब, फिर ऊपर वाला किसी को नहीं बख्शता। तारीख गवाह, चंगेज नहीं बख्शा गया, हलाकू खान नहीं बचा अल्लाह के कहर से, हिटलर नहीं बचा अल्लाह के कहर से, कुछ हिटलर और बाकी रह गए आज की तारीख में, जो कमजोरों पर जुल्म करते। लेकिन आवाज उठाने वाला उठाएगा, मैदान में खड़ा होना वाला खड़ा होगा। मेरे हिंदू भाइयों, पाप तो फिर पाप है, जुल्म तो फिर जुल्म है, मासूम इंसानों का खून तो फिर खून है, रंग एक तरह का होता है। कीमती जितना खून एक मालदार का होता है, उतना ही कीमती खून एक गरीब का होता है। दोनों खून जब बहता है, जमीन पर गिरता है, टपकता है, तो जम जाता है। सेम जुल्म चाहे मालदारों पर हो रहा हो या मालदार किसी गरीब पर कर रहा हो, जब जुल्म बढ़ता है, बढ़ने लगता है, तो फिर उस जुल्म का इस धरती से खात्मा हो जाता। पापिष्ठास्ते प्रप शांति यम रूपम भयंकरम। अच्छा करोगे तो जन्नत में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, और अगर 10 लाख का सूट पहनकर गलत करोगे, नरक में जाओ। दुनिया तक है ताकत उन लोगों की, जुल्म जबर उन लोगों की, दुनिया तक। वन जब वो मर जाएंगे, इन ऑल थिंग्स विल बी फिनिश्ड, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ये इस मजहब की पहचान है, बुराई को बुरा कहो। अगर आपके सामने कुछ बुरा हो रहा हो तो आपको कहना होगा। हम बोलते हैं, अगर हमारे सामने में कुछ बुरा होता है तो हम बोलते हैं। हमारे जैसे बहुत अच्छे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं, इस पे भी सवाब है। जैसे नमाज पढ़ने पर सवाब है, ऐसे कुछ बुराई हो रहा हो, नौजवान शराब पी रहे हो, तालीम अगर घट रही हो कौम के अंदर, समाज के अंदर बुराई फैल रही हो, तो कोई ऐसा अभियान चलाना या उस बुराई का मुकाबला करना, नमाज के ऊपर तबलीग करना, कलमे के ऊपर तबलीग करना। जितना नमाज पढ़ना हम फर्ज समझते हैं, बुराई के खात्मे के लिए भी कुछ ना कुछ अमल करना ये भी जरूरी हो जाता है। शराब पीते, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर, तमाम बुराइयों की जड़ है। आज नौजवानों को देख लीजिए, शराब के नशे में धुत हो जाते, इसी शराब के नतीजे में माओ बहनों की इज्जत लूटी जाती है। पाप है शराब पीना, जुर्म है,
गुनाह है मेरे नौजवानों, शराब के तहरीज पर कदम मत रखो। पैसे खर्च करके आप टेबलेट और कोरेक्स पीते हैं, सोल्यूशन का पुटुलिया बांध कर सूंघते हैं, इसलिए कि ताकि आपको कुछ देर के लिए आपके आपका मन मिजाज खुश हो सके। लेकिन एक बात याद रखो शराब पीने वाले मेरे नौजवान भाइयों, जब आप शराब पीते हो तो सुअर खाकर अगर आप आ जाओ अपने मोहल्ले में, तो सुअर खाने का वबाल सिर्फ आप पर हो सकता है। लेकिन जब आप जिस दिन शराब पीकर अपने मोहल्ले में पहुंचते हैं, उस दिन शराब की वजह से सिर्फ आपके ऊपर नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले वाले को उसका वबाल भुगतना पड़ता है। इतना खतरनाक मसला शराब पीने का। क्या किया था उन्नाव की उन तीनों बहनों ने अभी कल की तारीख में? वो अपने गांव से पैसे लेकर गई मार्केट के तरफ कि मैं कुछ चारा लेकर आऊं, अपने गाय बैल भैंस को खिलाऊंगी। जानवरों की हिफाजत के लिए वो गई थी, लेकिन कुछ ना हंजारों ने पूछो उन गद्दारों लुटेरों से, उन चेलों से, गुंडों से जो कुर्सी पर बैठे हैं, ताकत उनके पास है, जो सिर्फ बोलते हैं कि बेटी की इज्जत और आबरू को बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ। कल की तारीख में मैं पूछना चाहता हूं इन राजनेताओं से जो 10-10 लाख रुपए की सूट पहनकर और बड़े बड़े 10-10 नौजवानों की सिक्योरिटी के अंदर चले जाते हैं बंगाल के अंदर राजनीति की अपना प्रचार करने के लिए, और उन्नाव जैसे धरती के अंदर तीन मासूम बालिग लड़कियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, उनके गले में दुपट्टा डालकर लटकाया गया। दो की मौत हो गई, एक अभी अपनी मौत और जिंदगी से मुकाबला कर रही हॉस्पिटल के अंदर। है हिम्मत कहो कि बुराई है, पकड़ो उन जालिमों को, फांसी के फंदे पर लटकाओ। When I decided, तब मैं सोचूंगा, तब मैं ये डिसाइड करूंगा कि आपके दिल के अंदर समाज को आगे ले जाने के लिए दर्द क्या नहीं है। आज की तारीख में अमेरिका ने नासा अमेरिका ने आज की तारीख में 7 महीने के एक लंबे सफर के बाद चांद पर एक ऐसी जगह पर अपना रोबोट को दाखिल किया है जहां पता चला है कि वहां पर पानी है, वहां पर ऑक्सीजन है। आज की तारीख में तकरीबन 47 करोड़ मील के सफर के बाद आज ये सफर तय किया। पूछो इनको कि कौन है वहां उस सफर पर और उस चांद पर, उस जजीरे के ऊपर बड़ी आसानी के साथ अपने जहाज को लैंड करवाने वाले कौन है वो वैज्ञानिक? अमेरिका का दिमाग नहीं है, हमारी भारत की वो लड़की, उसका नाम, उस औरत का नाम स्वाति मोहन, जिसकी अपनी कृपा से, जिसकी मेहनत से नासा के उन इंजीनियरों वैज्ञानिकों के बीच में सबसे आसान तरीके से उस जजीरे पर, चांद के उस मोहल्ले, चांद के उस पानी वाले उस जजीरे के ऊपर जो सूख चुका है, वहां पर बड़ी आसानी से 7 मिनट के अंदर अपनी जहाज का और अपनी रोवर का लैंडिंग कराया। बड़े सुकून के साथ ये लैंडिंग कराने का सिस्टम, ये लैंडिंग कराने का पूरा क्रेडिट, जिम्मेदारी थी भारत की इस बेटी स्वाति मोहन की। क्यों नहीं स्वाति मोहन को आपने भारत में रखा, बुलाया कि बेटी तुम भारत की हो, तुम भारत में आ जाओ। उसके माथे पे टीका था। अगर तुम उन्नाव की उन बेटियों को बचाते, उन तो वो सकता था कि कल नासा ने कल हमारे भारत को किसी और तरक्की की तरफ लेकर जाती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो शराब पीकर इनकी इज्जत को लूटने से फुर्सत नहीं, तुम्हें शराब पीकर इनकी इज्जत और आबरू, और फिर ऊपर उल्टा उसकी बाप, उसके बाप को उठाकर लेकर गए जेल। ये हो रहा इस देश के अंदर। मेरे हिंदू भाइयों, इस्लाम के अहकाम को नाफिज करो बात जगहों के ऊपर। देख लीजिए इन गद्दारों, इन लूटेरों के मुंह में अगर ताले ना लग जाए तो मेरा नाम अब्दुल्ला से बदल कर कुछ और रख दीजिएगा। लड़ाते हैं आप। मैंने एक आयत पढ़ी, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीया,
मुत्तहिद हो जाओ। इसका ये मतलब नहीं कि टोटल के टोटल मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, बल्कि मैं दो कदम आगे बढ़कर बताता हूँ कि सारे मुसलमान भी मुत्तहिद हो जाओ, हिंदू भाई भी मुत्तहिद हो जाओ, यानी दोनों के दोनों मिल जाओ। किसके खिलाफ? यही जो बहन उन्नाव में तीन मासूम बच्चियों की इज्जत लूटी गई, उनको फंसाया गया, पेड़ में लटका दिया गया, ऐसे मानसिकता रखने वाली ताकत के खिलाफ, उन रेपिस्टों को पकड़ने के बजाय उन्हीं तीन मासूम बेटियों के जो उनके जो अब्बा हैं उन्हीं को पकड़ा गया, उनको जेल फिर थाने लेकर के गए। उनके मुजरिमीन को पकड़ने के लिए हमें, हम कहते कि हिंदू मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, अगर आएंगे तो इंशाल्लाह आज जो कुछ लोग इधर हिंदू इधर मुसलमान ये चल रहा, इधर हिंदू इधर मुसलमान, नहीं मेरे हिंदू भाइयों, अगर मुसलमान एक अल्लाह की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं तो आप भी एक ईश्वर की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर आओ। मुसलमानों का अल्लाह एक है, कम्मा ब्रह्मा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो आपका ईश्वर भी एक ही, एक अम्मा ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नहना रास्ते किंचन। मुसलमान नमाज पढ़ता है, अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, आप भी तो पढ़ते हैं, प्रथमा दारका जीववा दियो दियन मुजियते तृतीयानन को डलाकार चतुर्थर देव चंद्र कापन चमविन दो संयुक्ता, झुको साष्टांग करो, कुंडली मार कर बैठो, जपो चतुर लोगों के तरह। क्या है ये साष्टांग है? अगर मुसलमान जकात देता है तो आपके यहाँ भी दान दिए जाते, अगर मुसलमान मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानता है, आखिरी दीन शरीयत को कुरान को मानता है, अल्योम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तो आपके यहाँ भी साफ लफ्जों में क्लियर तौर पर कहा गया, अल्लाह बू का मैं का कम अदल्ला बू का निखा दकम। मुसलमान अगर अजान को मानता है, मुसलमान अगर वजू को मानता है, या अय्युहल्लज़ीन आमनु इज़ा कुमतुम इलस सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अय्दियकुम इलल मराफ़िक, तो आपके यहाँ भी साफ लफ्जों में कहा गया, निर्विश्य महादेवम मरुस्थलिनी गिरजानात, रेगिस्तान में रहने वाले आएंगे अपने सहाबा अपने दोस्तों के जरिए से और लोगों को अपना दीन अपना पैगाम बताएंगे। क्या फर्क है? कदम तो बढ़ाओ आप, सिर्फ फूल के, आप सिर्फ तलवार के, आप सिर्फ जाफरानी रंग के कपड़ों को देखकर अगर आप सोचेंगे कि नहीं हम यहाँ पर 30 मार खां बन जाएंगे, तो ये आपको 30 मार खां बनने के लिए नहीं बल्कि आपका इस्तेमाल करते। वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीआ, आप भगवान ईश्वर का नाम लो, मुसलमान कलिमा पढ़कर अल्लाह का नाम लेगा, और दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। एक तरफ मोहन जी काम करते हैं तो दूसरे तरफ अहमद काम करना चाहिए। मुझे बड़ा दुख हुआ, अभी कुछ दिनों पहले मैं मुंबई में था, मुंबई स्टेशन के अंदर एक जगह IRCTC एक होटल, वहां मैं खाना खा रहा था, एक जगह से फोन आया करीब के एक आदमी के पास, तो उसने कहा कि तुम मेरा ये काम कर दो, सर के पास जाओ, फोन पे कह रहा उसको, वो कह रहा सर वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग बिकॉज द ऑफिसर हैज बीन चेंज्ड, हमारा ऑफिसर चेंज हो गया है, उसकी जगह पर दूसरे ऑफिसर साहब आए हैं, देयरफॉर वी कांट डू, हम नहीं कर सकते। तो फोन पे बोला गया कि कौन आए, हुकम हियर, कौन आए यहाँ पे, उन्होंने कहा कि सर कोई अतहर नाम के हैं, मोहम्मद अतहर नाम के, द समवन एंड हिज नेम MD अतहर एंड हिज बिलोंग टू मुस्लिम, मुसलमान इस्लाम धर्म से बिलोंग करता। तो उधर से क्या जवाब आता, हैंड फ्री एंड आई एम लिसनिंग एवरीथिंग, आई वॉज लिसनिंग एवरीथिंग, मैं हर चीज सुन रहा था उस वक्त में। तो उधर से जवाब क्या आया, ओ तादाद बढ़ रही है इनकी, ये अल्फाज, तादाद बढ़ रही है इनकी, यानी मोहम्मद अतहर मुसलमान नाम का आदमी हम सब का प्रोफेसर बनकर आ गया। देखिए मेरे ख्याल से किसी ऑफिस का अच्छे थे वो,
दिखने में पढ़े लिखे थे लेकिन पढ़ाई लिखाई एक तरफ और अभी धर्म का जो रंग चढ़ा दिया है वो एक तरफ। धर्म के रंग चढ़ने में टाइम नहीं लगा और उसने जो पढ़ा 15 साल 20 साल से उसकी कोई माने नहीं, लेकिन धर्म का रंग चढ़ा दिया। क्या आया जहन में? ओ, इनकी तादाद ज्यादा हो रही है, यानी मुसलमानों की तादाद ज्यादा बढ़ रही है कि हमारे ऑफिस में भी पहुंच गए। मेरे हिंदू भाइयों, मुसलमान अगर किसी ऑफिस में होता है, मुसलमान अगर कहीं पर होता है तो वो पूरी अमानतदारी से काम करता है। मुसलमान कुछ देर के लिए झूठ बोल सकता है, लेकिन मुसलमान अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपने उस कंपनी के लिए कभी गद्दारी नहीं कर सकता। हमसे पूछा गया मुर्शिदाबाद में कि मौलाना, यहाँ पर लोग हम लोगों को औलाद कहते हैं, किसकी? मीर जाफर की। एंड डू यू नो मीर जाफर एंड मीर सादिक एंड 2 पर्सन बहुत ज्यादा खतरनाक, ये दोनों आदमी, मीर जाफर मीर सादिक। यही बात स्पष्ट लिख कर भेजा कि यहाँ के हमारे हिंदू भाई हम लोगों को बोलते हैं कि तुम लोग मीर जाफर की औलाद हो, यानी सबके सब गद्दार हो तुम लोग। क्या जवाब दें? हमने कहा कि कब कब पूछते हैं? बोला जब भी कहीं पर बैठकर बहस होती है तो कुछ हिंदू भाई वो पूछते हैं कि तुम मीर जाफर की औलाद। हमने कहा कि अब मैं बताता हूँ। वो बोला कि जरा आप एक्सप्लेन कीजिए कि मीर जाफर कौन है और मीर सादिक कौन है, और हम लोग क्या मीर जाफर की औलाद है, जरा ये बताइए। मेरे भाइयों, हमने कहा उनसे उस जलसे में, हमने कहा कि मुसलमान मीर जाफर की औलाद नहीं, मुसलमान मीर सादिक की भी औलाद नहीं, ये दो गद्दार भारत, हिंदुस्तान के गद्दार थे, दोनों ने गद्दारी की थी, बेईमानी की थी। मीर सादिक ने बेईमानी की थी टीपू सुल्तान के साथ, मीर सादिक टीपू सुल्तान का अपना चीफ समझिए, अपने फौज का सरबला सपेसालार था। मीर जाफर ये नवाब सिराजुद्दौला का सेक्रेटरी था, सपेसालार थे। मीर जाफर 1757 के अंदर नवाब सिराजुद्दौला जब अंग्रेज के सामने खड़ा हुआ तो अंग्रेज ने सोचा कि मैं इनसे ताकत में लड़ाई करके मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसने अपने कुछ लोगों को मीर मैनेज करने के लिए, डील करने के लिए भेजा मीर जाफर के साथ। कहा कि मीर जाफर को कुर्सी चाहिए, मीर जाफर को गद्दी चाहिए, मीर जाफर को टिकट चाहिए, मीर जाफर को एमएलए एमपी बनना है, मीर जाफर को सीएम और पीएम बनना है। तो फौरन उस अंग्रेज ने मीर जाफर को पकड़कर कहा कि तुम हमारी बात मान लो, तुम ये मैदान हमको जितवा दो। अंग्रेज कहता है हम तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत देंगे। तो मीर जाफर को कुर्सी चाहिए, मीर जाफर को नवाब बनना था बंगाल का, नवाब सिराजुद्दौला थे उनको नहीं देखना चाहते थे, तो उनके साथ गद्दारी की, विश्वासघात किया। तब जाकर मैदान प्लासी में मीर जाफर की गद्दारी की वजह से, उनकी बेईमानी की वजह से नवाब सिराजुद्दौला शहीद कर दिए गए। बिल्कुल सेम इसी तरह का मीर सादिक ने किया था टीपू सुल्तान के लिए। अंग्रेज ने टीपू सुल्तान को नहीं बल्कि मीर सादिक को डील किया। मीर सादिक ने भी अपना ईमान बेच दिया और फिर गद्दी और कुर्सी की लालच में उन्होंने गद्दारी की, तो टीपू सुल्तान शहीद कर दिए गए। मेरे भाइयों, ये दोनों थे, दोनों ने गद्दारी की, अपने आप को, अपने ईमान को बेच दिया था इन्होंने अपनी कुर्सी के लिए। लेकिन टू द डे ऑफ जजमेंट, टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक उनका नाम गद्दारों में, बेईमानों में लिखा हुआ रहेगा। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो मीर सादिक हो,
हो कि मीर जाफर हो, अब्दुल्ला सालिम कभी भी उनको नहीं कह सकता कि वो देश का वीर था। अब्दुल्ला सालिम कभी भी नहीं कह सकता मीर जाफर को कि उसने अच्छा किया था, बल्कि मीर जाफर की गद्दारी से नवाब सिराजुद्दौला शहीद किए गए, मीर सादिक की गद्दारी से टीपू सुल्तान शहीद किए गए। मैं मरते दम तक मीर जाफर मीर सादिक को कहूंगा कि उन्होंने अपने ईमान का सौदा किया, उन्होंने बेईमानी की थी अपने देश के लिए भी, और सबसे बड़ी बेईमानी की थी उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के साथ। मैं कहूंगा, हर लम्हा कहूंगा, मेरा ताल्लुक मीर जाफर से नहीं है मुर्शिदाबाद वालों, हमारा ताल्लुक मीर सादिक से नहीं है, बल्कि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो एक मुसलमान थे, दौलत की वजह से बिक गए थे, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि मुसलमान थे तो उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने गलत किया। लेकिन एक बात बताता हूं, है इतना बड़ा कलेजा, है इतना बड़ा दिल, जितना बड़ा दिल हम करके मीर जाफर को गद्दार वतन कहते हैं, मीर सादिक को गद्दार वतन कहते हैं, तुम नहीं कह सकते किनको? इस देश के गांधी की हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे इस भारत की धरती पर सबसे पहले अमन का खून किया। ऐ तुम्हारे दम, तुम्हारे जिगर के अंदर इतनी ताकत कि तुम नाथूराम गोडसे को कहो कि हाँ, नाथूराम गोडसे गद्दार, उसने गांधी जी का कत्ल किया। तुम नहीं कह सकते, तुम कह सकते कि सावरकर ने इस देश की अमन और शांति को भंग करने के लिए, इस देश के ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आए थे उस वक्त उन्होंने उनके साथ जाकर डील कर लिया था, भारत के हिंदू और मुसलमानों का विश्वासघात किया था। जितनी जुरत के साथ मैं कह सकता हूं कि ये दोनों जैसे गद्दार वतन थे मीर जाफर मीर सादिक, तो आप भी कहो, तब देखेंगे कि देशभक्ति कितने आपके दिल में है। कहो कि नाथूराम गोडसे कातिल था, नाथूराम गोडसे टेररिस्ट था, नाथूराम गोडसे देश का गद्दार था। और ऐसे ही वीर सावरकर ने जाकर के माफी मांगी थी अंग्रेज से कि अंग्रेज गुरुजी, मैं आपका गुलाम हूं, मुझे जेल में मत डालो, मैं माफी मांगता हूं। माफी मांगकर तब जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गोल्ड मेडल जीता, लेकिन देश की आन बान शान को भेज दिया। ये बात कही जाती है, हिम्मत तो कहे आप भी मेरे हिंदू भाइयों। ऐसा जहन में बिठाया गया कि इस देश में मुसलमानों को कभी मीर जाफर का औलाद, मीर सादिक की औलाद नहीं, वो गलत है, हम उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। उन्होंने हमारे देश के साथ विश्वासघात किया। मुसलमान होंगे, अल्लाह के साथ उनका मामला, वो जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे, लेकिन ये गुनाह किया तो मैं कहता रहूंगा, मैं कभी भी ये नहीं कह सकता कि नहीं कि जनाब वो तो मुसलमान थे, हम गलत की। ये इस मजहब की खासियत है, दिल से कम बुरा जानो, जुबान से बुरा कहो रोको। हम कहते हैं मन आमिनकुम मुनकरन फलयुगयिरहु बियदि फइन लम यस्ततीफ बिलिसानि फइन लम यस्ततीफ बिकल्बि वذلك ज़ाफुल ईमान। ये इस मजहब की डीएनए में शामिल है ये बात कि गलत को गलत कहना। अगर कोई समाज का करोड़पति आदमी लखपति आदमी कोई गलत कर रहा हो तो इमाम साहब कुर्सी पर बैठकर उसकी अच्छाई नहीं बयान कर सकते, बुराई कर रहे हैं तो कहना होगा कि हमारे मस्जिद के मुतवल्ली साहब सूद खाते हैं गुनाह है, हमारे मस्जिद के मुतवल्ली साहब ये काम गलत करते हैं। कहेंगे, जरूर कहेंगे। ये इस मजहब की पहचान, उमर फारूक को सहाबा ने नहीं छोड़ा, उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन को नहीं छोड़ा, छोटी छोटी बातों में सरजरिश कर देते थे कि उमर फारूक आप ये काम क्यों रहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पहलू था, आप ये काम क्यों कर रहे, तो हम और आप किस खेत की मूली। जब तक ये चीज हमारे अंदर, ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा नहीं होगा, तो आप किसी भी गलत आदमी का, बुराई का खात्मा नहीं कर सकते। हाँ कोई बात नहीं, वो दोनों बच्ची उसकी इज्जत लूटी गई, देखेंगे। बहुत लोग होते हमदर्दी जताने वाले व्हाट्सएप फेसबुक पर कि वो दोनों तीनों बहनों को
मारने की कोशिश की गई, हमें इससे बहुत बड़ा दुख है और खेद। ऐसी दुख हमदर्दी नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों की दुख की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की दुख जो हमदर्दी करते हैं, जो वाकयातन फाइनेंशियली उनके साथ जाकर अटैच होते हैं, उनकी मदद करते हैं। फेसबुक वाला हमदर्दी नहीं चाहिए, मैदान में खड़े होकर उनकी ज़रूरतें पूरी करने वाले हमदर्दी की ज़रूरत है। देश के मुसलमानों और देश के हिंदू भाइयों, इस देश को बिल्कुल भगवा रंग में रंगने की कोशिश है, संविधान को बालाए ताक रखने की कोशिश है, ये कभी भी नहीं होने देंगे। मेरे हिंदू भाइयों, आपकी भी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने इसलिए आयत पढ़ी थी, वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीआ, आप भी मैदान में आओ, आप एक ईश्वर की रस्सी को पकड़ो, आप किसी गुरुदेव की नहीं, आप किसी ऐसे गद्दार लीडर की नहीं जो आपको बांट बांट कर मुसलमानों से अलग अलग करके आपको वो कुर्सी पर बैठता है, वो कभी भी भला नहीं कर सकता। फौरन हिंदू मुसलमान का एंगल किसी भी मामले में ढूंढते। हद तो ये हो गई, अभी कुछ दिनों से ज़्यादा ये चर्चा आम होने लगा है कि भारत के अंदर में ये जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्र सेनानी थे, उन्होंने ज़बरदस्ती से उसी स्वतंत्र सेनानी अंग्रेजों से मुकाबले के जमाने में मुसलमानों ने जबरदस्ती कमजोर हिंदू भाइयों को पकड़ पकड़ कर कलिमा कबूल करवाया। अब कहने लगे कुछ दिनों से, अब ये नया एंगल, मैं इसको दिफा करना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि 1846 में एक राजा पैदा हुआ जिसका नाम मोहन सिंह, उनका नाम पड़ा अब्दुल वासे खान। याद रखना, इन मोबाइलों में मेरी ये बात रिकॉर्ड हो रही, लेकिन मैं बड़े दलाइल के साथ कहूंगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इट इज आवर फंडामेंटल राइट्स, ये मेरे बुनियादी हुकूक हैं। हम पर कोई इल्ज़ाम लगेगा तो हम उसकी दिफा करें, हमारे दिल के अंदर कोई दर्द होगा तो हम उसको क्लियर बोलेंगे, हमारे अंदर अगर हमको कोई तुहमत हम पर लगाएगा तो हम उसकी सफाई पेश करेंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता। कहा जाता है कि स्वतंत्र सेनानी मौलाना लोगों ने जैसे अंग्रेज को भगाने के लिए काम कर रहे थे, वैसे ही हिंदू भाइयों को जबरदस्ती कलिमा पढ़ाने के लिए कई कई जगहों के ऊपर फोर्स कर रहे थे, मजबूर कर रहे थे। मेरे इल्जाम लगाने वाले मेरे बड़े ही बुजदिल भाइयों, ऐसा कभी नहीं हुआ है। 3 साल के अंदर, तकरीबन 250-200 साल के अंदर, बल्कि 100 साल के अंदर तकरीबन 2.5 लाख, 2.5-3 लाख मुसलमान कत्ल किए गए, शहीद किए गए इस देश में अंग्रेज़ों के हाथों। उनमें तकरीबन 60 से 70 से लेकर 90 हज़ार उलमा थे। किसी भी आलम दीन ने अंग्रेज के अलावा किसी भी हिंदू भाई के बदन को छुआ तक नहीं, उनको मारने की कोशिश नहीं की। रही बात ये, इस्लाम तेजी से फैला तो क्यों फैला उस जमाने में, उस पीरियड में, मैं बताता हूं आपको, इस्लाम को फैलाने के लिए किसी ने किसी को डराया नहीं था। पूछो जाकर मोहनलाल सिंह से, मोती सिंह, बादशाह, राजा, महाराजा, मध्य प्रदेश के राजगढ़ इलाके के रहने वाले ये मोहनलाल सिंह, मोती सिंह उर्फ अब्दुल वासे खान, इनके ऊपर किसने जबरदस्ती की, इनको किसने मजबूर किया, इनका किडनैप किसने किया, किसी ने भी नहीं। वाकया सुना देता हूं ताकि इन गद्दार को, ये जो नफरत की दीवार खड़ी कर रहे हैं समाज में, नौजवानों के दिलों में भूसा भर रहे हैं, धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, इनकी कमर को तोड़ने में मदद मिलेगी इस वाकये से। क्या है ये वाकया? मोती सिंह कुर्सी पर बैठता है, उन्होंने अनाउंसमेंट करवा दिया कि मेरे इलाके में कोई भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए, मेरे कार्यालय में कोई भी मुसलमान काम करने वाला नहीं मिलना चाहिए, मुसलमानों को नौकरी से निकाल दो। निकाल दिए गए। ये कंडीशन लागू की उसने कि कोई भी मुसलमान
12 बजे से पहले पहले मेरे नजरों के सामने नहीं आ सकता। अगर कोई मुसलमान आ गया तो उसकी पिटाई होती थी। ये फरमान जारी कर दिया किसने? मोती सिंह ने। 1881 की बात है ये। राजगढ़ मध्य प्रदेश का राजा, अगर किसी को यकीन ना हो उसको यकीन करना पड़ेगा, इसलिए कि इंडियन इंसाइक्लोपीडिया में यह वाकया लिखा हुआ है। किसी आलिम दीन की तसनीफ की ही किताब में यह वाकया लिखा हुआ नहीं, बल्कि इंडियन इंसाइक्लोपीडिया के अंदर यह हिस्ट्री, यह इतिहास लिखा हुआ है कि मोती सिंह को किसने इस्लाम कबूल करवाया। मुंबई के प्लेटफॉर्म पर, डॉक्टर जाकिर नायक के मंच पर हजारों सैकड़ों मेरे सनातन धर्मी भाई आकर एक अल्लाह का कलिमा पढ़कर अगर इस्लाम को कबूल करते थे तो किसी के कंधे पर तलवार नहीं रखी गई थी। और भी बहुत सारे हमारे ऐसे उलमाए किराम हैं जो गैर मुस्लिमों में जाकर काम करते हैं, अल्लाह की वहदानियत का प्रचार करते हैं, ये कर सकते। अपनी अच्छाई आप कहीं पर भी रख सकते। मौलाना कलीमुद्दीन साहब सिद्दीकी फुलत वाले, वो भी इस काम को करते। लखनऊ के कई सारे असातिज़ा ये काम करते, जैसे डॉक्टर जाकिर नायक का तो ओपन मसला था कि सामने क्लियरिफिकेशन करते थे एक एक मसले का, तब जाकर हक की, कुरान की, वहदानियत की उनकी साफ क्लियर तौर पर लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी करते थे। मोती सिंह ने ऑर्डर किया 12 बजे से पहले मेरे सामने कोई भी मुसलमान नहीं आ सकता। एक रोज ऐसा हुआ कि मोती सिंह को शिकार करने के लिए जाना था, शिकार के लिए निकले रास्ते में मेरे भाइयों, फिर पता क्या हुआ, एक गरीब आदमी बेचारे नदी के किनारे घर था। फजर की अजान हुई, वो वजू करने के लिए घर से नदी पे पहुंचा, वजू कर रहा था। वजू करते वजू के बाद जब वो नमाज के लिए अपना घर लौट रहा था तो इसी बीच में मोती सिंह का काफिला गुजरा। मोती सिंह की नजर पड़ गई कि ये तो चोपी है, तो दाढ़ी वाला अब्दुल्ला सालिम है, ये बहुत बोलता है हमारे खिलाफ, पकड़ो इनको, मारो। तो पकड़ लिए गए अब्दुल्ला साहब को। अब पिटाई शुरू हो गई। मोती सिंह ने क्या कहा कि बहुत बोलता है, मारो इसको, हमारा बहुत पोल खोलता है, मारो इसको। पोल इसलिए खोलना जरूरी होता है, उन्हें टीआरपी चाहिए। अभी जी न्यूज का फोन आया, अभी खाना खाते हुए मुखिया जी वहां बैठे हुए थे, मुखिया एक नौजवान और कई हमारे हजरत शेख इब्राहिम साहब भी तशरीफ फरमाते, खाना खाते हुए कि सर जी न्यूज से अभिषेक बोल रहा हूँ। हमने कहा तो क्या करना? बोला सर आपका बाइट चाहिए, इंटरव्यू चाहिए। हमने कहा कि क्या लोगे हम जैसे मौलानाओं का इंटरव्यू? बोला सर आपका पोस्ट टीवी में ट्विटर पे डालते हैं तो लोग बहुत जल्दी सुनते हैं देखते। हमने कहा कि तुम तो इसलिए डालते हो कि भाई तुम्हारा कुछ काम होता है, लेकिन एक बात बोलो, क्या मिला तुमको हमारा पिछले साल वाला CAA वाला बयान चलवा के? अभी ट्विटर में तुमने कोई, तुम्हारा पांडे सिंह ने चलाया उसको 1 मिनट 13 सेकंड का, वो मेरा CAA वाला प्रोटेस्ट का वीडियो है, 1 साल पहले वाला, 28 जनवरी सन 2020 को वो तकरीर की गई थी, उसको कवर किया गया था, उसको अभी चला रहे हो? बोला सर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था तो हम लोगों ने भी चला दिया। हमने कहा कि देख लेना, चला तो दिया, जितना पैसा तुम कमाओगे गलत तरीके से एक ना एक दिन जवाब देना पड़ेगा। हमने कहा कि जेन्युइन इंटरव्यू लोग कहाँ लेना है, देने के लिए तैयार है, लेकिन गलत तरीके से मत पेश करो उसको, गलत तरीके से। तुमने क्या कहा, क्या कहा गया उस तकरीर के अंदर कि देखिए मौलाना साहब भी किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं और मौलाना साहब इस देश की इकोनॉमी को हार्म करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। हमने उस वीडियो में इतना बताया कि प्रोटेस्ट से क्या फायदा होता है, प्रोटेस्ट से गवर्नमेंट को क्या नुकसान होता है, कैसे नुकसान होता है। हमने क्लीन क्लियरिफिकेशन किया। वो बयान कब का भी चला रहे, शर्म नहीं आती तुम्हें यह बात? तो इसीलिए उनको भी लगा होगा कि ये मौलाना साहब आ गए सामने, तो मोती सिंह ने कहा कि मारो इस बंदे को। उसको इतना मारा गया, इतना मारा गया, इतना मारा गया। मेरे भाई मेरी आवाज़ साथ नहीं दे रही, अंदर से बहुत जोर लग रहा, वरना मेरी आवाज़ थोड़ी तेज़ निकलती है, बड़ी दिक्कत है आवाज़, चूँकि बलगम की वजह से आवाज़ बहुत बैठी हुई।
कोशिश मैं कर रहा हूं कि मैं ये इतिहास बताकर मैं अपनी जगह पकड़ूं। तो पता इतना मारा बादशाह सामने कड़ा मोती सिंह मार रहा है, बड़ी बेरहमी के साथ उसका लिंचिंग किया जा रहा कि तुम आए कैसे बादशाह के सामने। उसकी मां आई कि मोती सिंह मैं माफी मांगती हूं, मेरे घर में यही एक मेरा बेटा है, अगर ये मर जाएगा तो हमारा घर का कोई भी देखभाल करने वाला नहीं। उसकी बीवी आई, उसके बच्चे आए, तब भी नहीं रहम किया। मोती सिंह कौन था? मोती सिंह एक बादशाह राजा महाराजा था। वो आदमी चाहे मुसलमान हो ये चाहे हिंदू हो, कोई भी था वो उसकी प्रजा में शामिल था, उसके वोटर में, उसके आवाम में शामिल था। वो राजा सिर्फ मुसलमानों का, हिंदुओं का नहीं था, बल्कि उनको ये भी सोचना था कि मैं मुसलमान का भी राजा हूं। जैसे आपके इस कस्बा विधानसभा में आपका एमएलए कोई भी हो, आपने किसी और पार्टी को, अगर आपने आरजेडी को वोट दिया, अगर कांग्रेस का एमएलए यहां से जीत जाता है तो वो जीतने के बाद आपने भले ही कांग्रेस के उस एमएलए को वोट ना दिया हो, जीता है कांग्रेस वाला, आपने अगर आरजेडी को वोट दिया है तो जीतने के बाद वो सबका एमएलए बनता है। फिर जो वोट दे उसका भी, जो हिंदू दे उसका भी, मुसलमान दे उसका भी, सबका। ये भूत निकाल दो कुर्सी पर बैठने वाले कि हमारे वर्कर ही हमारे सब कुछ है। जब आप जीत जाते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, तो इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। हिंदू हो के मुसलमान हो, आरजेडी का मानने वाला हो के कांग्रेस का मानने वाला हो, के भारतीय जनता पार्टी का मानने वाला हो, के मजलिस का मानने वाला हो, के किसी भी पार्टी का मानने वाला हो, जब आप कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो आप फिर सबके एमएलए होते हैं, सबके एमपी होते हैं।